रणवीर कपूर के एनिमल मूवी के टीजर को रिलीज कर दिया गया है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बवाल लग रहा है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और इस मूवी का हाइप भी बहुत ज्यादा है। मतलब जब से इस मूवी से रणवीर कपूर के फर्स्ट लुक को रिलीज किया गया था, तब से ही रणवीर कपूर के लुक को देख के पब्लिक एकदम पागल हो गई थी और पब्लिक ये जान गई थी कि उन्हें कुछ तगड़ा देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब इस मूवी का पहला प्रोमो रिलीज हुआ था तो उसको देखकर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये केजीएफ मूवी की कॉपी होने वाली है और इस मूवी में जो रणवीर कपूर का लुक है वो केजीएफ मूवी से कॉपी है। अब देखो, मेरा इस पर यही कहना है कि ये केजीएफ मूवी से बिल्कुल ही अलग मूवी होने वाली है, क्योंकि हमें इसके टीजर को ही देखकर पता चल गया है कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। इसमें हमें दो गैंग की स्टोरी को दिखाया जाएगा जिनका आपस में गैंग वॉर चल रहा है और जो एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को मारते रहते हैं। मतलब रणवीर कपूर का इस मूवी में जो फैमिली है वो एक गैंगस्टर फैमिली है और उसका दादा, बाप और रणवीर कपूर खुद एक गैंगस्टर है। लेकिन रणवीर कपूर शुरू से गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो गैंगस्टर बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन बचपन में उसे काफी ज्यादा बुली किया गया था और उसके फादर ने भी उसको काफी ज्यादा अब्यूज किया था। मतलब उसके फादर भी उसको मारते पीटते थे, लेकिन फिर भी उसके फादर के साथ उसका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब वो अपने फादर से डरता तो था लेकिन उनको प्यार भी करता था। अब देखो, इस बीच मैंने आप लोगों को बताया कि रणवीर कपूर को उसके बचपन में उसको बुली किया जाता था, लेकिन ऐसा कोई भी सीन आपको टीजर या फिर प्रोमो में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक लीक इमेज से बता रहा हूँ जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा। अब देखो, आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को बनाया है संदीप वांगा रेड्डी ने, जिन्होंने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी मूवी बनाई है। और आप लोगों को पता ही है कि कबीर सिंह मूवी कैसी थी। और इन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू में पूछा कि आपकी मूवी में इतना वायलेंस को क्यों प्रमोट किया जाता है, तो संदीप वांगा रेड्डी ने यह कहा कि आपको कबीर सिंह देखकर लगता है कि इसमें वायलेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि वायलेंस क्या होता है अपने अगले आने वाले मूवी में। और वो जिस मूवी के बारे में बात कर रहे थे वो एनिमल मूवी है। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस मूवी में भरपूर वायलेंस होने वाला है और टीजर देखकर हमें पता चल रहा है कि इस मूवी में कितना ज्यादा खून खराबा को दिखाया गया है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और रणवीर कपूर का लुक भी इस मूवी में काफी ज्यादा तगड़ा है। मतलब रणवीर कपूर का इस तरह का अवतार हमने आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा है और ये उनकी पहली एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें हमें वो एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अब हाँ, उनकी एक शमशेरा मूवी भी थी जिसमें हमें वो एक्शन करते हुए नजर आए थे, लेकिन वो एक पीरियड एक्शन मूवी थी और वो मूवी मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आई थी, इसीलिए मैं उस मूवी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाँ, इस मूवी में रणवीर कपूर का लुक एकदम बैडेज लग रहा है और रणवीर कपूर को जिस तरह से इस मूवी में संदीप वांगा रेड्डी ने दिखाया है वो सचमुच काबिले तारीफ है, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि रणवीर कपूर का जो छवि था वो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक हीरो का था। लेकिन इस मूवी के बाद उन्हें कोई रोमांटिक हीरो नहीं कहेगा बल्कि एक्शन हीरो कहेगा, क्योंकि टीजर में ही उनके कुछ ऐसे ऐसे सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो कि सचमुच एकदम बवाल है। मतलब वो लाइटर जलाने वाला सीन मुझे काफी ओपी लगा और लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काटने वाला भी सीन मुझे काफी बवाल लगा और उसके बाद लास्ट वाला सीन जहाँ पे रणवीर कपूर घायल हैं और वो एकदम खून से लथपथ हैं, भाई सचमुच मैं बता रहा हूँ ये मूवी काफी बवाल होने वाली है। अब देखो, मैं इतने तारीफ कर ही रहा हूँ तो तारीफ करना पड़ेगा इस मूवी के बीजीएम के बारे में भी। भाई लोग, इस मूवी का बीजीएम भी काफी जबरदस्त है और जिस तरह से इस मूवी में डायलॉग डिलीवरी में पंजाबी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है उसे देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर बॉलीवुड में जितने भी गैंगस्टर मूवी को दिखाया गया है उसमें ज्यादातर गैंगस्टर बॉम्बे से ही होते हैं, इसीलिए इस बार हमें कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, मैं उसे काफी अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी हाँ, इस मूवी में रणदीप वांगा रेड्डी ने फुल साउथ का मसाला डाला है तो इसीलिए ये मूवी साउथ वाली वाइब दे रही है। बाकी बात करूँ अगर इस मूवी के मेन विलन के बारे में तो वो है बॉबी देओल, जिनका लुक तो इस मूवी में रिवील किया गया है लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही है और उसे देखकर हमें ये लग रहा है कि वो काफी क्रीपी विलन होने वाले हैं जो फुल ऑन रणवीर कपूर को टक्कर देने वाले हैं। लेकिन इस टीजर में जो हमें लुक दिखाया गया है वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया अभी, बल्कि जो एनिमल मूवी का पोस्टर में हमें बॉबी देओल का लुक दिखाया गया था उसमें लग रहे थे बॉबी देओल एकदम खतरनाक विलन। बाकी हाँ, इस मूवी में रणवीर कपूर के फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर और उनके लव इंटरेस्ट होने वाली है रश्मिका मंदलाना। अब देखो, रश्मिका मंदलाना की एक्टिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब उनकी साउथ की मूवीज तो अच्छी होती है और उनमें उनका एक्टिंग भी काफी अच्छा होता है, लेकिन जब से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है तो मुझे उनके एक्टिंग में थोड़ा फर्क देखने को मिला है, क्योंकि उनके एक्टिंग के बीच में उनका लिंगू आ जाता है जिस वजह से मुझे उनकी एक्टिंग थोड़ा सही नहीं लगती है। बाकी मैं होप करता हूँ कि उन्होंने इस मूवी के लिए अपने लिंगू के ऊपर काम किया होगा। अभी जो इस टीजर से हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, इसीलिए अगर इसका जब ट्रेलर आएगा तो मैं उसका फुल ब्रेकडाउन करूंगा। बाकी मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। भाई, दिसंबर का महीना काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उस मंथ इंडियन सिनेमा की काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें पहले तो रिलीज होगी अपनी एनिमल मूवी ही, उसके बाद 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है दंगे और सलार मूवी। इसीलिए यह मंथ काफी अच्छा होने वाला है सिनेमा लवर के लिए, क्योंकि उन सभी को इस मंथ काफी तगड़ी तगड़ी मूवी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इन सभी मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी मैंने सलमान खान की टाइगर 3 मूवी के ऊपर भी बात किया है जिसमें मैंने उस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं, तो अगर आपने मेरे वो वाला वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर चेक करना। बाकी वो वीडियो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे उसको टैप करके देख सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।